यदि भारत की विकास का कोई दुश्मन है, शांति का कोई दुश्मन है, भाईचारे का यदि कोई दुश्मन है, तो वो है इस देश में सबसे बड़ा गोदी मीडिया। ये पत्रकारिता नहीं करते हैं, ये देश में नफरत पैदा करते हैं और नफरत फैलाने के लिए इनको भरपूर माल मिलता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि देश की जनता को जगाए कि आपको गुमराह किया जा रहा है ये न्यूज चैनल के माध्यम से, और आप लोग बहिष्कार करें, इस न्यूज चैनल को देखना बंद करिए। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। देश में अभी जो हालात है और जितनी भी अफवाहें, जितनी भी गलतफहमियां और जितना भी तनाव का माहौल यदि कोई पैदा करता है, तो अभी वर्तमान के अंदर गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, ये फैलाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पूरे देश में तनाव का माहौल पैदा करने का काम ये गोदी मीडिया करती है। अब मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, आप देख लीजिए, नाम गिनवाता हूं इन चैनलों का, न्यूज 18, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज नेशन, रिपब्लिक भारत और कई सारे ऐसे चैनल हैं, सुदर्शन न्यूज, जो ये न्यूज आपको प्रत्येक दिन शाम के टाइम आप देख लीजिए, तो हिंदू मुसलमान के अलावा ये कोई डिबेट नहीं करते। ये आपको प्रमाण दे रहा हूं, आप खुद अध्ययन कर लें कि हिंदू मुसलमान के अलावा ये दूसरा कोई डिबेट नहीं करते। दो मुसलमान को ले आएंगे पकड़ के और दो भाजपा के प्रवक्ता, और मुसलमानों में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो चंद रूपों के लिए दौड़े हुए चले जाते हैं ऐसे डिबेट के अंदर, और कोई ऐसा मुद्दा छेड़ देते हैं और उस मुद्दे को लेकर रात दिन रगड़े जाते हैं। यदि भारत की विकास का कोई दुश्मन है, शांति का कोई दुश्मन है, भाईचारे का यदि कोई दुश्मन है, तो वो है इस देश में सबसे बड़ा गोदी मीडिया। ये पत्रकारिता नहीं करते हैं, ये देश में नफरत पैदा करते हैं और नफरत फैलाने के लिए इनको भरपूर माल मिलता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि देश की जनता को जगाए कि आपको गुमराह किया जा रहा है ये न्यूज चैनल के माध्यम से, और आप लोग बहिष्कार करें, इस न्यूज चैनल को देखना बंद करिए। दुनिया में कभी आपने ऐसा चीज कभी देखा है कि बीमारियां भी जाति धर्म को देख के आती हैं? लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे ये सिद्ध किया गया है कि कोरोना वायरस मुसलमानों ने फैलाया है। सबसे बड़ा चिंताजनक बात यह है कि फैलाया, अफवाह उड़ाया और एक जाति विशेष को टारगेट किया गया, पूरे हिंदू समाज में उसके प्रति नफरत पैदा की गई। किसने पैदा किया ये? हम जो टीवी चैनल देखते हैं उसने पैदा